धानु भगत के परिवार ने की महाआरती। मथुरा में नरी सैमरी गांव में मां नरी सैमरी देवी का मेला लगा हुआ है। इन्हीं नगर कोट वाली देवी भी कहा जाता है। मां नरी सैमरी देवी का मंदिर प्राचीन है। मान्यता है के अनुसार माता नगर कोट वाली देवी का एक भक्त था जिसका नाम धानु था, जो माता को अपने शहर आगरा लाना चाहता था। उन्होंने माता को हिमाचल प्रदेश से अपने साथ आगरा आने का वरदान मांगा। कांगड़ा देवी ने उन्हें वचन दिया और एक शर्त भी रख कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी, लेकिन अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उसी स्थान पर विराजमान हो जाऊंगी। ध्यानु भगत ने माता की शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन मथुरा के नरी गांव में आकर धानु भगत ने यह देखने के लिए पलट कर देखा कि माता कांगड़ा आ रही है या नहीं। जैसे ही धानु भगत ने मुड़कर देखा और माता वहीं स्थान पर विराजमान हो गई। तब से लेकर आज तक देवी यही विराजमान है और चैत्र के नवरात्रों के तीसरे दिन मां नरी सैमरी की पूजा धानु भगत के परिवार के लोग करने के लिए आते हैं, जिनको लेकर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया जा गया। सिविल और वर्दी में पुलिसकर्मी मंदिर परिसर में लगाए गए, जिससे जेबकटों और चोरी करने वालों को पकड़ा जा सके। धानु भगत के परिवार के लोगों के द्वारा पूजा को लेकर मंदिर प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था की जाती है। देवी के मंदिर में होने वाली इस विशेष आरती को एक दो बार नहीं बल्कि 5 बार दोहराया जाता है। धानु भगत के परिवार के 5 वंशज आगरा से नरी सैमरी आते हैं और फिर इस विशेष आरती को करने से पहले विशेष पूजा करते हैं। माँ से प्रार्थना करते हैं उसकी ज्योति ठंडी हो जाए और उसे कपड़ा न जले, इसके लिए वो कई घंटों तक माँ की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जिस वक्त वह आरती मथुरा के नरी सैमरी में की जाती है, उस वक्त हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बने मां के मुख्य मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। नगर कोट वाली देवी नरी सैमरी के इस मंदिर में खुद आकर भक्तों को दर्शन देती हैं। मंदिर में होने वाली इस विशेष आरती को देखने के लिए हजारों की संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। चादर आरती में शामिल होकर भक्त माँ से मुराद मांगते हैं। माँ की विशेष आरती करने को लेकर धानु भगत के परिवार के लोगों ने जानकारी देते हुए आरती को ये आरती होती है, परंपरा आरती अर्थात तीज के दिन आगरे वालों का मेला होता है, आरती होती है और मैया की महिमा तो ये बताएंगे हमारे सच्चे दरबार की। जो है काफ़ी अरसे से ये नई सभी मैया की हम लोग आगरे वाले पूजा करते चले आ रहे हैं। 30 के दिन आरती का मेला होता है, सब आगरे वाले और बाहर जो जिजमाने हमारे जयपुर अजमेर सभी आदमी आते हैं। 30 वाले दिन मैया पढ़ते हैं, छड़ी पसते हैं, उसके बाद वो कनेला उसके स्वयं भोजन करते हैं। कितने परिवार के लोग आगरा के? सभी परिवार हैं, बनिए ब्राह्मण सभी माते बस मिलकर के जिनिए को मजबूर नहीं किसी ने, सब प्रेम भाव के साथ में आते हैं और मैया खुद दर्शन कर सेवा करते हैं। कैसी व्यवस्था रही लोगों को अपनी बात? ऐसा है कि हम तो पड़वा को आ जाते हैं, पड़वा 30 की आरती करके नहीं अब सवेरे हम चले जाएंगे, उसके बाद में फरह वगैरह इधर के जो 9वीं तक यहाँ का मेला चलता है। क्या व्यवस्था रही है? ऐसा है यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया। पंडित जी है हमारे आगरे के ध्यानु भगत थे, वो वैष्णो देव के स्थान है जी। वैसे मैया मैं तो आया था हूँ, मेरे आगरे वाले नहीं आ पाते हैं, तू मेरे से आगरे चल, मैं तेरा मंदिर बनवाऊँगा। कैसे ले चला कंधे पे, एक शर्त है जहाँ मैं उतार देगा उससे आगरे नहीं जाऊँगी। अच्छा मैया यहाँ पे 4-5 दिन चले पैदल, तालाब पीपल का पेड़ सुंदर छाया, अरे मैया तू भी फ्रेश हो ले, हम भी फ्रेश हो ले, नहा दो का भगत जी आए ना, चल मैया कब कहाँ चल मैया, मैं तुझसे क्या कहती जाम ही उतार देगा उससे आगे नहीं जाऊँ। आगरे वालों को नहीं बुला ला यहीं पूजे, सब आगरे वाले जैसे मैया नहीं सहमी आगे पूजा करते हैं। ऐसा है करौली में तो मेरी छड़ियाँ जाती हैं, यहाँ नहीं सहमी वहीं 5 छड़ियाँ लगती हैं, 5 ब्राह्मण संप्रदाय की हैं, ब्याह शादी कथा जागरण सब
हम अपने जजमान करते हैं, हमारे जजमान अलग अलग आते हैं, हर झड़ियों का अलग अलग पूजन होता है। वहीं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ आरती को देखने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं ने जानकारी दी। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि जन जन की आराध्य माँ नरी सेमरी वाली देवी के दर्शन करने का सौभाग्य ये हम सबको प्राप्त हुआ है। और आज दिव्य आरती के दर्शन, ये आरती आज के दिन की बड़ी महत्वपूर्ण है। और आप जो भी मांगो इस आरती के दर्शन में माँ से, वो सब मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी आज की आरती है और ऐसा चमत्कार हमने पहले कभी नहीं देखा। जो आरती हो रही है कपड़े में लगा के, जो पुजारी आरती कर रहे हैं, और देवी कृपा से कपड़े में आग नहीं लग रही है। लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने साक्षात माँ देवी का, नरी सेमरी वाली देवी का चमत्कार देखा है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ ब्रज के आके, आसपास के लोग आके देवी के मंदिर में आके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मैं सभी से प्रार्थना की माँ के चरणों में करता हूँ कि सभी को उनकी मनोकामना पूरी करें और सभी पर कृपा बरसाए रखें। देखी आरती और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी आरती, बहुत ही ज्यादा। कैसा लगा मतलब आरती देखकर? बहुत भीड़ है पर अच्छा लगा बहुत। पहली बार देखी है? हाँ पहली बार देखी है। कैसा अनुभव लगा? कहीं ना कहीं मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था पर बहुत ही अच्छा रहा। हवा करते हैं और वो काफी सालों से करते हुए आ रहे हैं आरती को। और ये सबसे बड़ा चमत्कार ये इस आरती का कि यहाँ का जो कपड़ा होता है वो जलता नहीं है। ये महत्वपूर्ण मतलब माना जाता है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है जो कपड़ा नहीं जलता। हम अपने आप को बहुत महसूस करते हैं कि हमारे परिवार से आरती को किया जाता है। आपने देखी आरती? हाँ ये आरती है, ये बहुत भव्य आलौकिक आरती है। माँ महसूस होती है पूरी तरह। और वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा मेले में सुरक्षा व्यवस्था बनाने को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य शुक्ल ने बताया। नरी सेमरी असल मिला है, लकी मिला है आज, और लगभग आगरा वालों की आरती हो तो महाआरती होती है। लगभग क्या कुछ कहेंगे सर, कितनी व्यवस्था की गई है इस बारे में? इसकी समीक्षा की गई है और इसमें दो CO लगाए गए हैं, CO गोवर्धन साहब लगे हैं, CO छाता साहब लगे हैं। मैं भी स्वयं सवेरे से यहीं पर हूँ और इसमें हर दिन की ड्यूटी कवर की गई है। बेसिकली इसमें जो रोड साइड से हमारे दर्शनार्थी आते हैं वहाँ पर 2 SHO लगाए गए हैं, एक इधर से SO 8 हैं और SO Sudhir लगाए गए हैं। इसके बाद जो हमारा क्षेत्र मेला क्षेत्र का यहाँ 2 SHO बरसाना और SHO इसमें 9 झील लगे हैं। इस प्रकार से ये व्यवस्था हम करा रहे हैं। बाकी इसके अलावा लगभग 100-150 फोर्स की संख्या में फोर्स वहाँ तैनात किया गया है। आज दिया का मुख्य पर्व है, इस पर आगरा से काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, सुबह से काफ़ी दर्शनार्थियों का आवागमन चल रहा है। और इस बारे में जो अंतिम आरती 7:30 बजे होगी, उसके लिए भी व्यवस्था सुदृढ़ रूप से की गई है। ये स्वयं सेवक के भी 20-25 जवान लगे हैं जो वहाँ पर व्यवस्था देख रहे हैं। बाकी व्यवस्था अच्छी चल रही है, किसी भी प्रकार की स्थिति उत्पन्न अप्रिय न हो इसलिए हम हर व्यवस्था वहाँ किए हैं। दर्शनार्थियों पर भी निगाह रखी जा रही है, वहाँ के कुछ अवांछनीय तत्व हैं उन पर भी निगाह रखी जा रही है। अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है, लेकिन पुलिस हमारी मुस्तैदी से